नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ, लगातार आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हाँ दोस्तों, ऐसे में जो सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है इस समय इस स्टॉक में, एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों? तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक ने आज के दिन पूरी तरह से एकदम कंसोलिडेशन फेस में मतलब कि दर्ज किया दोस्तों। ना ही तेजी ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, फिर भी स्टॉक आज के दिन प्रेशर क्रिएट किया है। ऐसे में मार्केट में बहुत सारे स्टॉक दोस्तों आज के दिन प्रेशर क्रिएट किए हैं। हाँ लेकिन ऐसे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे डेली बेसिस मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को। मतलब कि अभी मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो वेवीएल में कोई भी मतलब कि आपको मतलब कि निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी देखा है तो स्टॉक एक निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते किसी भी टाइम इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा जो कि मेरा मानना है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि इसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों आज के दिन देख रहे थे, इससे पहले भी हमको दिख रही थी तो फिर भी देखा है तो स्टॉक नहीं चला। तो हाँ, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती जो हमारे बताए अनुसार ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप नोट करके फिर चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई महत्व बहुत बड़ा एनालिस्ट देखने को नहीं मिलता हो। अगर आप लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं या स्टॉक मतलब कि आप मतलब कि इसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो आप चाहे तो इसके साथ जा सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को सेलिंग या जो कि बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं देखिए इस स्टॉक में मतलब कितनी भी गिरावट हो, जितनी शॉर्ट टाइम में गिरावट होगी उतनी तेज़ी से इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ऐसे में सबसे जीता जागता सबूत है इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक 5 दिनों मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1550-1500 के ऊपर इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब था इसके देखा जाए तो लगभग 7 से 8% कंपनी मतलब कि जो इसका बाउंड बिक हाई है, बाउंड बिक तो नहीं कह सकते फिर भी एक्चुअल का जो इसका कंपनी का अभी 5 दिनों का हाई है दोस्तों, उससे लगभग ये कंपनी 7 से 8% अभी तक डाउन हो चुकी है। हाँ ये कंपनी 100 से 150 रुपये के डिस्काउंट पे अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट इस चीज़ को नोट कर लें। सेकेंड, अगर मैं आज की बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये कंपनी एकदम मतलब फ्लैट कारोबार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी क्षण में जो सबसे खास बात है दोस्तों कि जो हमारा मानना रहता है कि ये कंपनी में गिरावट होगी तो लास्ट 20, 50 और मतलब 00 का रेशियो लेकर के आगे कोई भी अंक हो सकता है, जैसा कि 1420 रुपये आज के दिन का क्लोजिंग मतलब कि लास्ट इसका मतलब जो लो था दोस्तों वो देखने को मिला है। हालांकि जो मतलब क्लोजिंग दिया है कंपनी ने, आप कह सकते हैं कि 1427 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये अपने आप में एक खास बात देखने को मिलती है। हालांकि हो सकता है मार्केट जिस टाइम पे अभी देखिए इसकी खास अगर जो गिरावट होती है लास्ट आप कह सकते 3 दिनों तक या 4-5 दिनों तक, मतलब लगातार तो नहीं कर सकते, फिर भी अभी जो क्रिएट हो रहा है हो सकता है जैसे ही मार्केट ओपन होगा दोस्तों, कल तो मार्केट बंद है लेकिन अब फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है जैसे ही ओपन हो तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, मतलब डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट में मतलब तेज़ी देखने को मिला, वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ वरुण बेवरेजेस की तो इसमें गिरावट देखने को मिली। देखिए गिरावट आज के दिन एक फ्लैट ही कारोबार हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली तो स्टॉक में जो है कि मतलब गिरावट देखने को मिली। हालांकि तो आपसे बता मार्केट के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक को देखने जाएंगे तो एक बड़ी मतलब कि तेज़ी नहीं कर सकते, फिर भी एक गिरावट आप संकेत कर सकते हैं। ऐसा कि मतलब कि दोस्तों होता क्या, देखिए एक मार्केट अपना तेज़ी में है लेकिन स्टॉक आपका निगेटिव रिएक्ट कर रहा था, ऐसे में आपसे बताना चाहता जिस समय पूरा मार्केट निगेटिव रिएक्ट करता है उस टाइम पर ये स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाता है। तो ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी देखा है मतलब आज के दिन एक मतलब कि एक आप कह सकते ज़्यादा इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, फिर भी स्टॉक जो है लगभग 9 करोड़ मतलब कि आप कह सकते जो भी इसमें ज़्यादा वैल्यूम बना है लगभग 62,838 शेयर के आसपास, मतलब लगभग ये टाइमिंग की बात हो रही है दोस्तों जो कि उस टाइम पे शेयर ट्रेड हुए थे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि एक चीज़ आप चाहे तो नोट कर लेना, मैं उसको भी डेटा को देखूंगा कि यहाँ पे जिस टाइम पे ये स्टॉक गिरावट दर्ज करेगा, ये एक फ्लैट कारोबार करेगा, उस टाइम पे इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज माल उठाया जाता है वो थोड़ा हाई देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन हाँ, सबसे जो खास बात पहला बाइंग करने के पीछे का रीजंस रहेगा, देखिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ और बार बार आपको जितनी बार मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों उसमें करीब 10 बार तो मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला जो कि मतलब डाउन का लेवल रहता है 1420, 1400 रुपये, 1480 मतलब माफ़ करना 1380, 1350, ये मतलब एक लेवल है दोस्तों। ये कंपनी इसके रेंज में आने के बाद वापस ये कंपनी एक कमबैक करती है, ऐसा नहीं तो आप देख सकते कि यहाँ पे आज के दिन स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया लगभग 1427 रुपये, तो हो सकता है स्टॉक में जिस टाइप के आज के दिन मतलब एक वॉलेटाइल देखने को मिला दोस्तों, आप एक कंसोलिडेशन फेस देखने को मिला है उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि लगभग 12 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 72% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है किसी समय मतलब कि तेज़ी के कारण भी
बन सकता है। सेकंड दोस्तों, इसमें जो तेजी के पीछे का रीजन रहेगा हम आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कल के दिन ही, मतलब कल तो नहीं कह सकते, रिसेंट में वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कंपनी के जो रेवेन्यू है दोस्तों, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों, या कंपनी के नेट प्रॉफिट है, वो आने वाले समय में ये क्वार्टर में दोस्तों एकदम बेस्ट देखने को मिल सकता है। कंपेयर आप कर सकते हैं दिसंबर क्वार्टर से, तो हो सकता है कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने वो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जो नहीं देखे हैं दोस्तों, आई बटन पर लिंक है और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन जो भी मतलब कि तेजी या गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऐसे में अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस करके दोस्तों लगभग जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ने की कंपनी ने 2 बार कोशिश की है, लेकिन अभी तक तोड़ नहीं पाई है। तो हो सकता है जो ये वाला मतलब कि एक ब्रेकआउट भी आप मतलब देखिए, टेक्निकली तो हम बात करते नहीं है, हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं कि जिनको हम बाइंग करते हैं, मतलब उसमें आप कह सकते हैं पोजिशनल ट्रेड करने के बाद जो भी बाइंग करते हैं, अगर तेज़ी नहीं देखने को मिलती तो अपने पास जो कि होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये स्टॉक एकदम फिट बैठता है। जिनके पास भी है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, गिरावट होती है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट 1400-1420 के आसपास मतलब रिस्क 0 आप कह सकते हैं, हालांकि मार्केट है यहाँ पे किसी भी प्रकार का 0 रिस्क नहीं है, फिर भी वही पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 1600 के लेवल को तोड़ती है तो आप इससे 2000 रुपये का एक लंबा टारगेट दिए हैं हमने, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कंसोलिडेशन फेस, एक लंबा टाइम भी लग सकता है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।